हेलो एभ्रीवान, तपाईँ सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला। एन्ड फर्स्ट अफ अल चाहिँ म कृष्ण नेटराइजरज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। एन्ड माइसेल्फ पूर्णबहादुर सुब्बा, अनि मेरो युट्युब च्यानल नेम पनि पूर्णबहादुर सुब्बै छ, तपाईँहरूले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि मन परेमा तपाईँहरूले लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। सो ऑलराइट गाइज, आप कुछ लोग जो है टाइटल देख के या थंबनेल देख के इस वीडियो पे क्लिक किए होंगे, तो या आप लोग सही वीडियो पे क्लिक किए हैं, और या मैं वही पहले डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में जो है मैं इसका स्पेसिफिकेशंस, ये बाइक का वेट कितना है या पावर कितना है, ये सब कवर करने वाला नहीं हूँ। ये सब स्पेसिफिकेशंस जो है आपको गूगल में मिल जाएगा, रिव्यू वीडियो नहीं है ये। और इसमें जो आप लोगों को जस्ट मैं एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनल ओपिनियन देना चाहता हूँ ये बाइक को लेके, और इसके बाद मैं आपको एक्सपल्स के बारे में भी बताऊँगा कि दोनों में से कौन सा आपको लेने से बेटर रहेगा। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि सभी बाइक अपने अपने कैटेगरी में बेस्ट है, और सभी बाइक का अपना अपना प्लेजर होता है, राइडिंग प्लेजर, और सभी बाइक का डिफरेंट फील होता है राइड करने में। अगर आप कोई स्पोर्ट्स बाइक चलाते हो और स्पोर्ट्स टूरर से एडवेंचर टूरर बाइक में शिफ्ट होना चाहते हो, या आप एक एक्स्ट्रा बाइक लेना चाहते हो एडवेंचर टूरर कभी कभार लॉन्ग राइड के लिए, तो रॉयल इनफील्ड हिमालयन जो है ये आपको कितना सेटिस्फैक्शन देगा लॉन्ग टूर या नॉर्मल डेली यूसेज के लिए, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि इसका राइडिंग जो कंफर्ट है काफ़ी अच्छा है, और इसका जो है सीट मैंने इसको दो तीन बार ऑलरेडी चला चुका हूँ, एक दो बार तो दिन भर के लिए मैंने इसको चलाया है। तो या सीट का जो कंफर्ट है वो अच्छा है, लेकिन और भी थोड़ा बेटर हो सकता है। काफ़ी सॉफ्ट है ना, तो अगर आप लंबे टाइम तक इसी सीट में बैठे रहते हो तो आपका बम जो है पेन होना चालू हो जाता है। तो या सीट कंफर्ट ठीक ठाक है, तो और भी बेटर हो सकता था। एंड पावर की अगर बात किया जाए तो मेरे पीछे पिलियन राइडर है, और पिलियन राइडर के साथ मैं आराम से 55, 60, 40 आराम से चला रहा हूँ। इंजन में कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है इतना स्पीड में। 5000-6000 RPM में जब ये बाइक आप रेप करते हो तो काफ़ी सारा वाइब्रेशंस आता है, और रॉयल इनफील्ड वैसे भी वाइब्रेशंस के लिए ही फेमस है। जो फील देता है वाइब्रेशन में, उसी के लिए वो ये बाइक जो जाना जाता है। या पहले बात करते हैं लॉन्ग टूर के लिए, अगर लॉन्ग टूर आप करना चाहते हो बाइक में, तो अगर आप हार्ड एंड फास्ट राइड नहीं करते हो, बहुत अग्रेसिव राइड नहीं करते हो, आराम आराम से कोई भी डेस्टिनेशन में पहुँचना चाहते हो, तो बेस्ट बाइक कह सकता हूँ आप लोगों के लिए, बेस्ट बाइक हो सकता है। क्योंकि पावर स्ट्रेस फ्री आराम से चलता है बाइक, और कंफर्ट भी है, वेट भी है काफ़ी सारा, ब्रेकिंग भी काफ़ी खूबसूरत है इसका। तो या आप डेफिनेटली जा सकते हैं बाइक पर। और डेली यूसेज की अगर बात किया जाए, तो डेली यूसेज में जैसे कि ट्रैफिक हुआ या ऑफिस डेली ले जाना, मार्केट में चलाते समय थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ये साइज में थोड़ा बड़ा है और बाइक थोड़ा हैवी है, वेट थोड़ा ज़्यादा है, तो डेली यूसेज में थोड़ा इसको प्रॉब्लम हो सकता है। और डेली यूसेज में इसका माइलेज भी थोड़ा कम मिलता है, और हीटिंग इश्यू भी मुझे थोड़ा थोड़ा फील हो रहा था लास्ट टाइम जब मैं राइड किया था इसको, सिटीज़ में, तो हीटिंग इश्यू है थोड़ा थोड़ा है। और 500cc इंजन है तो थोड़ा बहुत तो हीटिंग इश्यू रहेगा ही। या डेली यूसेज भी कर सकते हो, लेकिन परफेक्ट बाइक फॉर डेली यूसेज में नहीं कह सकता इसको। और पहली बार अगर आप इस बाइक पे चढ़े हो, या पहली बार अगर आप ये बाइक राइड करना चाहते हो, तो पहली बार का जो फील है इसमें कुछ अलग ही है। स्टेबल है बाइक, और जब आप बाइक पे बैठ के चलाने लग जाते हो तो इसका वेट फील नहीं होता है बिल्कुल भी। ब्रेकिंग एंड एवरीथिंग इज रियली ऑसम ऑन दिस बाइक। थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है वही वाइब्रेशंस को लेके, जो कि रॉयल इनफील्ड का तो सिग्नेचर ही है, वाइब्रेशंस होता ही है सभी बाइक में। या इतना ही है मुझे जो फील हुआ है। सो ऑलराइट गाइस, अभी तक जो आप लोगों ने हिमालयन का आई होप मैंने डाउट्स क्लियर किया। तो जब एक्सपल्स के बारे में बात कर रहे, तो ऑब्वियसली आई हैव टू राइड एक्सपल्स मैन। सो या सीटिंग पोजीशन इज क्वाइट कम्फर्टेबल, मुझे एक्सपल्स का यही चीज़ काफ़ी पसंद है, इट्स वेरी लाइट मैन। सो ये बाइक में भी मैं पिलियन राइडर के साथ ही राइड करने वाला हूँ, तो इससे क्या होगा कि हिमालयन और इसमें जो है और भी अच्छा सा कंपैरिजन होगा। तो चलो, अच्छा चीज़ इस बाइक का आपको ये नोटिस होगा कि इसका फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर और थर्ड गियर जो है,
अच्छा है, अच्छा खासा पावर है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड गियर में। और उसके बाद जो है थोड़ा सा आपको पावर में कमी महसूस होगा। 80-90 जब आप पहुंच जाओगे तो उसके बाद जो है ये स्ट्रगल करेगा स्पीड गेन करने में। बट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड गियर इज रियली ऑसम ऑन दिस बाइक। अच्छा लगा मुझे। अभी मैं पिलियन राइडर के साथ राइड कर रहा हूँ, जैसे कि देख सकते 30-40 का स्पीड आराम से आप कर पाओगे विदाउट गिविंग एनी स्ट्रेस ऑन द इंजन। जैसे कि अभी थर्ड गियर पे है, दो जन है और यहाँ पे चढ़ाई वाला रास्ता है तो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है बाइक। ये 200cc का ही बाइक है तो ऑब्वियसली इसमें पावर कमी है। बट ये बाइक जो है सिक्किम जैसे रोड्स के लिए क्या सही है या नहीं है वो मैं बताने वाला हूँ। अभी सिक्किम में या कोई भी हिल स्टेशन में रोड जो है आपको छोटा छोटा ही मिलेगा और ऐसे ही मतलब नैरो रोड्स दिखने को मिलेगा, ऊपर से छोटा मोटा वाटर क्रॉसिंग्स भी आप लोगों को दिखने को मिल जाएगा। तो ऐसे टाइप के रोडों में जो है आपको एक्सपल्स मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। अगर आप कोई हार्ड एंड फास्ट राइडर नहीं हो, मतलब स्पीड जाना है या स्पीड आपको पिकअप चाहिए या इनिशियल्स बहुत अच्छा चाहिए, वैसा अगर है तो यू शुड गो फॉर हिमालयन। वैसे हिमालयन में भी ऐसा कोई खास पिकअप नहीं है, वो भी मतलब आराम आराम से चलाने का बाइक ही है। बट इससे हिमालयन थोड़ा पावरफुल आपको फील होगा। और जैसे कि देख सकते हो अभी ऑफ रोडिंग है, छोटा सा वाटर क्रॉसिंग है, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी खतरनाक है, दो आदमी बैठा हुआ है बट फिर भी छोटे मोटे गड्ढे है ना फील नहीं हो रहा है। सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है इसका, जैसे कि आप भी देख सकते हो, मतलब जब से मैं राइड कर रहा हूँ अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, रोड जो है काफ़ी छोटा होता है हिली एरियाज का और कर्व्स भी काफ़ी सारे होता है, मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद में आपको कर्व्स मिलना शुरू हो जाता है। तो ऑब्वियसली आप 80-90 तो नहीं चलाओगे ऐसे रोडों में, 40-50 या 60 मैक्स चला पाओगे ऐसे रोडों में। मेरे जैसा राइडर ऐसा चलाता है, आप कोई हो सकता है फास्ट चलाता हो लेकिन अगर आप एडवेंचर टूरर चला रहे हो तो ऑब्वियसली 40-50 मैक्सिमम 60 चलाओगे ऐसे रोडों में। तो उसके लिए जो है ये बाइक बेस्ट है, मतलब 40-60 आराम से आप चला सकते हो और ऊपर से माइलेज भी काफ़ी खूबसूरत है हिमालयन से, मतलब माइलेज जो इसका काफ़ी अच्छा है। इस मामले में मुझे लगता है कि यू शुड गो फॉर हीरो एक्सपल्स, क्योंकि पावर भी डिसेंट है और स्ट्रेट रोड्स में जो आपको पावर का कमी महसूस होगा हीरो एक्सपल्स में, वेराज ऐसे ही नॉर्मल रोड्स में आपको मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा सीसी लेके कोई फ़ायदा है, क्योंकि डेली यूसेज करने में और ऊपर से सर्विसिंग वगैरह कराने में काफ़ी आसान है और सस्ता भी है। और इसमें और एक पॉइंट्स है जो कि हिमालयन में मुझे बेटर लगा, जैसे कि ये जो है बाइक काफ़ी हल्का है तो कर्व्स मुझे उतना कॉन्फिडेंट नहीं आता है, हिमालयन में मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट आ रहा था कॉर्नरिंग करते हुए, मतलब थोड़ा बहुत कॉर्नरिंग करते हुए, मतलब कॉर्नर्स में काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आता था। बट वेरस ये बाइक जो है थोड़ा कॉर्नर्स में मुझे उतना स्टेबल नहीं लगा, मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कॉर्नरिंग करते समय। हिमालयन जो है भारी भरकम बाइक है तो ऑब्वियसली थोड़ा स्टेबल है और हाई स्पीड में भी स्टेबल है हिमालयन, तो हाँ इस मामले में हिमालयन इज़ बेटर। और एक्सपल्स का मैंने काफ़ी लोगों को कंप्लेन करते हुए देखा है कि इसका जो बॉल रेसर्स काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाता है, मतलब यहाँ से हल्ला आना शुरू हो जाता है, इवन चेंज करने के बाद भी 500-600 किलोमीटर के बाद ही पूरा हल्ला आना शुरू हो जाता है। तो हाँ वही एक प्रॉब्लम है ऐसा बोल रहा था इसका जो ओनर है, और भी एक दो ओनर भी बोल रहा था शायद अपकमिंग बाइक्स में वो सॉल्व होके आ सकता है। उसके अलावा बाइक इज रियली गुड और डेली यूसेज भी आराम से कर सकते हो, कोई हीटिंग इश्यू नहीं है, कोई एकदम वाइब्रेशंस वाला फील इसमें नहीं है, थोड़ा बहुत है वाइब्रेशंस बट उतना नहीं है, जितना है वाइब्रेशन उतना आप आराम से मैनेज कर सकते हो। मेन जो एडवांटेज है ये बाइक का जो अच्छा लगता है मुझे वो इसका माइलेज है। माइलेज क्या बताऊँ, नेक्स्ट लेवल है भाई माइलेज इसका 35-40 तो आराम से दे देता है मेरे चलाने के हिसाब से। ऑलराइट गाइस, सो अपन मतलब बाइक चलाते एक्चुअली एक अच्छा सा व्लॉग बना रहा हूँ जो कि इसके बाद आने वाला है और काफी अच्छा खूबसूरत सा व्लॉग है, यहाँ पे ड्रोन शॉट्स वगैरह भी लूंगा तो वो ये व्लॉग के बाद आप जाके देख सकते हो, मेरे चैनल बहुत जल्द आने वाला है। तो जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए इस वीडियो में वो सब मेरा खुद का ओपिनियंस है और आपका अपना अपना चॉइस, अपना अपना रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप खरीद सकते हो और दोनों बाइक अपने अपने सेगमेंट्स पे बेस्ट है और डिसाइड आपको करना है कि आपको किस पर्पज के लिए चाहिए या आपका जो रिक्वायरमेंट्स है कौन बाइक अच्छी फुलफिल करता है उसी के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। एंड अगर आप लोग मुझे पूछोगे कि मुझे मतलब कौन सा बाइक मैं खरीदना पसंद करूंगा तो ऑब्वियसली आई विल गो विद एक्सपल्स 200 क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक अच्छा खासा पावर वाला बाइक है और आई लव टू ओन एक्सपल्स 200 एज अ सेकेंडरी बाइक, जो कि मतलब मुझे एक खरीदने का एक सपना भी है, मतलब बाद में देखा जाएगा। एक खरीदना चाहता हूँ जिसमें मैं फन राइड करना चाहता हूँ, मतलब जो ऑफ रोड्स वगैरह है वहाँ पे, मतलब यू नो काइंड ऑफ ऑफ रोडिंग टायर्स वगैरह लगा के, रैली किट वगैरह लगा के, यू नो दबाने का वो जो फील है ना वो अलग ही मिलता है एक्सपल्स से। तो या ऑब्वियसली आई वुड लव टू कीप एक्सपल्स एज अ सेकेंडरी बाइक, मतलब है। तो यही है अपन का
ओपिनियन। तो यह आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और मेरा आँख ना इधर उधर जा रहा है बिकॉज ऑफ द व्यू, यहाँ पे मतलब इतना खूबसूरत व्यू है ना क्या बताऊँ। तो जल्द जल्द ये वीडियो को एंड करते हैं और उसके बाद नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कीप दिस वीडियो लाइक एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। दैट्स इट, थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे। विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।